see next C program, write the C program to check whether a number is perfect number or not. Means previous cases mein discuss kiya tha, some all factors or prime factors like that, same as Armstrong numbers. Next one, what is mean by perfect numbers? First of all, we want to discussing what is exact meaning of perfect number, then we are writing source code for how to check the given number is perfect number or not. Perfect numbers ke respect mein basic concept kya iska, if sum of factors of a given number, अगर किसी भी numbers के factor का sum number के original value को equivalent है, then number consider करेंगे जब perfect number. For example, we have some number as 6. 6 के respect में इसके possible factors क्या हैं? 1 + 2 means 1 एक ऐसा number जो सभी numbers के लिए क्या है proper divisor. Therefore, 1 is considered factor of 6. Means 6 को 1 से भी डिवाइड करना पॉसिबल, 2 से भी डिवाइड करना पॉसिबल, सिमिलरली 3 से भी डिवाइड करना पॉसिबल. आगे चेक करने नीड नहीं है, बिकॉज इस केस में नंबर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक्सेप्टिंग नंबर इटसेल्फ. मींस फैक्टर्स के केस में कभी नंबर इटसेल्फ कंसीडर नहीं, ओनली प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स. इस केस में प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हैं? 1, 2, 3. इन तीनों का सम क्या आएगा? सम ऑफ दीस थ्री नंबर इज आल्सो 6. मींस ओरिजिनल नंबर क्या था? 6 प्लस sum of all positive factors is also 6. दोनों वैल्यू कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम. देयरफॉर 6 इज कंसीडर्ड एज परफेक्ट नंबर. अनदर एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नंबर समथिंग 28 के केस में अगर इसके फैक्टर्स काउंट करें, फर्स्ट वन इज 28 को 1 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, 2 से डिवाइड करना पॉसिबल है, सेम एज 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है, सेम एज 7 से डिवाइड करना पॉसिबल है, सेम एज 14. मींस ऑल नंबर्स के हैं, ऑल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 28. अगर इन सभी का सम कैलकुलेट करें, बिगिनिंग 3 का सम क्या है? 7 7 + 7 + 14. अगेन नेक्स्ट 14 14 + 14 इज बिकम्स 18 28. देयरफॉर 28 28 ओरिजिनल नंबर क्या था? 28 प्लस इसके फैक्टर्स का सम भी क्या है? आल्सो 28. देयरफॉर 28 इज कंसीडर्ड एज परफेक्ट नंबर्स. व्हाट इज द सोर्स कोड फॉर चेकिंग परफेक्ट नंबर्स? मीन्स परफेक्ट नंबर के रिस्पेक्ट में सिंपली फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा? रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. कीबोर्ड से इनपुट रीड डाउन करने के जस्ट बाद नेक्स्ट केस क्या रहेगा? सम नंबर. नंबर रीड डाउन करने के जस्ट बाद रिक्वायर्ड क्या हुआ? सम ऑफ इट्स फैक्टर्स. सम ऑफ इट्स फैक्टर मीन्स फैक्टर्स चेक करने के लिए इटरेटिव वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ समथिंग आई. मीन्स आई के केस में रिक्वायर्ड किया हुआ सम लूप, क्योंकि लूप आपको कहाँ से कहाँ से चलाना है? फ्रॉम 1 to n/2 और नंबर डिवाइडेड बाई 2. क्यों? नंबर से बड़ा कोई भी नंबर इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं. इसलिए चेक कब तक करेंगे? ओनली हाफ ऑफ द गिवन नंबर्स. फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, इंटीजर, नंबर कॉमा वेरिएबल है सम इक्वल्स टू समथिंग 0, देन इटरेटिव वेरिएबल एज आई. नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. रीड करने से जस्ट पहले डिस्प्ले कराएं सम मैसेज, एंटर नंबर, एंटर रिक्वायर्ड नंबर्स, स्कैन ऐप, परसेंट डी, एम परसेंट ऑफ नंबर्स. इस वैल्यू रीड डाउन करने के जस्ट बाद सपोज दैट नंबर एंटर किया जा 6, एंटर्ड नंबर इज 6. नेक्स्ट में सिंपल नंबर इसके जैसे इजीली टेस्ट करना पॉसिबल हो. 6 के प्लस सम का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0. मीन्स सबसे पहले चेक क्या करना है? एंटर्ड नंबर के फैक्टर्स. तो किसी भी नंबर के पॉसिबल फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होंगे? फ्रॉम 1 प्लस फैक्टर पॉसिबल फैक्टर्स के अप टू n/2. मीन्स सीरीज को जनरेट करने के लिए लूप रिक्वायर्ड होगा. देयरफॉर वी आर मैनेजिंग लूप टू टेस्ट एवो केस. इस केस को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा? प्रोवाइडिंग सम लूपिंग स्टेटमेंट फॉर इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू क्या यूज करेंगे इस केस में? 1. नेक्स्ट 1 प्लस अप टू. कब तक चलाना है इसको?
अप टू नंबर डिवाइडेड बाय टू एंड आई प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस. नेक्स्ट थिंग्स एवरी टाइम्स के इसमें लूप के अंदर टेस्ट क्या करना है, मीन्स गिवन वैल्यू ऑफ आई इज ए डिवाइडेड नंबर और नॉट. तो इसके इसमें कंडीशन क्या रिक्वायर्ड हुआ, इफ कंडीशन अगर नंबर को आई के करंट वैल्यू से डिवाइड करना पॉसिबल, अगर आई से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है उसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा जीरो. अगर रिमाइंडर जीरो फाउंड हुआ इसका मतलब करंट वैल्यू ऑफ आई इज अ इज अ फैक्टर ऑफ नंबर. अगर ये फैक्टर है तो इसके इसमें परफॉर्म क्या करा लेंगे, एड एड देम सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सिंपल. नेक्स्ट में स्टार्ट से लूप चलता रहे. प्लस इस केस में इफ के बॉडी के अंदर ओनली सिंगल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, इसलिए कर्ली ब्रेसेस राइट डाउन करने नीड नहीं है. सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू ऑफ आई, देन क्लोज दिस लूप. लूप के बाहर इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ कंडीशन इफ के थ्रू टेस्ट क्या करेंगे इस केस में, इफ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वलेंट टू सम ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर्स. अगर ओरिजिनल नंबर इसके फैक्टर के सम के इक्वलेंट है देन कंडीशन क्या आएगा इस केस में, ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ यस नंबर इज परफेक्ट नंबर, यस नंबर इज परफेक्ट नंबर. अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है देन चांस किसको मिलेगा इस केस में, एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ नो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, देन क्लोज बॉडी ऑफ मैन फंक्शंस. टेस्ट करते हैं इस केस में इनिशियली. सपोज दैट अगर नंबर का वैल्यू 6 एंटर किया, 6 एंटर करने पर इस केस में कंडीशन क्या बनेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वलेंट टू 3. तो इस केस में सबसे पहले I का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू देन बॉडी एग्जीक्यूट होगा, नंबर क्या है 6, 1 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0, 0 इक्वल 0 मीन्स कंडीशन इज ट्रू. देन 0 प्लस करंट वैल्यू ऑफ आई इज 1, 0 1 का एडिशन क्या आएगा 1 असाइन टू द वेरिएबल सम. नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होने पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. अगेन कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन में आई का करंटली वैल्यू क्या है 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन अगेन इफ का बॉडी एग्जीक्ट हो, कंडीशन टेस्ट हुआ इफ के केस में नंबर मॉड्यूलो आई, करंटली नंबर वैल्यू क्या है इस केस में 6, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा या 0, देयरफॉर 0 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम ऐड क्या होगा, सम सम का वैल्यू 1 है प्लस आई का वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2 इज 3 असाइन टू द वेरिएबल सम. मीन्स इस केस में आई के केस में भी 2 वैल्यू जनरेट हुआ 1 एंड 2, दोनों ही नंबर्स कैसे हैं डिवाइजर ऑफ आई परफेक्टली डिवाइडिंग नंबर. नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस, अगेन आई प्लस प्लस करने पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, अगेन कंडीशन ट्रू आई वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू. नंबर क्या है 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल 0, कंडीशन बिकम्स ट्रू. अगेन सम सम का वैल्यू ऐड कैसे हो जाएगा आई के वैल्यू से, सम का वैल्यू 3 सो रहा है प्लस आई का वैल्यू क्या 3, सम इज 6, दिस 6 इज असाइन टू द वेरिएबल सम. नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अगेन कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स होने पर कंट्रोल सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ दिस लूप. इफ कंडीशन नंबर का वैल्यू फाउंड हो रहा 6 प्लस सम का भी वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है ऑल्सो 6, 6 इक्वल 6, कंडीशन इज टू देन डिस्प्ले यस, मैसेज एज यस. सिमिलरली आप इस केस में टेस्ट कर सकते हैं फॉर अनदर नंबर लाइक अ 28. अगर आप रन टाइम पर कीबोर्ड से नंबर का वैल्यू 28 करो एंटर करो तो उस केस में भी सम क्या आएगा, फर्स्ट टाइम सम किसका हुआ 1 का, नेक्स्ट टाइम 1 से ऐड किया जाएगा 2, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 7, नेक्स्ट टाइम 14, ये सभी का सम क्या आएगा अगेन 28. मीन्स इस केस में टेस्ट करने पर क्या आएगा 28 इक्वल 28, कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन यस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर. नेक्स्ट केस में इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे, डिस्प्ले ऑल फैक्टर नंबर्स फॉर अ गिवन रेंज.